चलिए दोस्तों, आपको कुछ अलग तरीके से बताते हैं कि होशियार का विलोम शब्द क्या होता है। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको होशियार के विलोम शब्द के बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, ताकि आप होशियार के विलोम शब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए कि वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हो, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और वहीं पर अगर हम होशियार के विलोम शब्द की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि होशियार का विलोम शब्द बेवकूफ होता है। यानी दोस्तों, होशियार का विलोम शब्द बेवकूफ है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ हो रहे हैं कि होशियार का विलोम शब्द बेवकूफ होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन्हें और भी अधिक अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि होशियार का अर्थ क्या है और बेवकूफ का अर्थ क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होशियार का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, होशियार का हिंदी में अर्थ होता है अकलमंद या बुद्धिमान, यानी जिसके पास बुद्धि होती है, यानी जो बुद्धिमान है वही होशियार है। और वहीं पर अगर हम बेवकूफ के अर्थ की बात करते हैं, तो दोस्तों बेवकूफ का हिंदी में अर्थ होता है ना समझ या निर्बुद्धि, यानी जिसके पास बुद्धि नहीं है वह बेवकूफ होता है। तो इस तरह से दोस्तों, आपने भी यह समझा कि होशियार का अर्थ क्या है और बेवकूफ का अर्थ क्या है। तो आप अब यह और भी अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि होशियार का विलोम शब्द क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अपन एक बार इसके बारे में फिर से बात करते हैं कि होशियार का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए कि हिंदी व्याकरण के अनुसार होशियार का विलोम शब्द बेवकूफ होता है। यानी दोस्तों, होशियार का विलोम शब्द बेवकूफ होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ हो रहे हैं कि होशियार का विलोम शब्द बेवकूफ होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि होशियार का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।